पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी गाड़ी बनाने की इजाजत दे दी गई है और ये गाड़ी पाकिस्तान में बनकर दिसंबर 2024 में लॉन्च कर दी जाएगी। कौन सी कंपनी बना रही है, कितने 100 किलोमीटर ये एक चार्ज पे चल सकती है, इसकी कीमत क्या होगी, ये तमाम तफसीलात आपको आज की वीडियो में बताएंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पंजाब हुकूमत ने सूबे के अंदर महंगाई कंट्रोल करने के लिए एक अलहदा स्पेशलाइज्ड महकमा बना दिया है। इससे पहले कोई एक महकमा महंगाई कंट्रोल करने का जिम्मेदार नहीं था। एक बहुत अच्छा बड़ा कदम है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान में बनी हुई पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी गाड़ी की मंजूरी दी गई है। पाकिस्तान का इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, उसने रीगल मोटर्स को यह इजाजत दी है कि वो अपनी असेंबली लाइन के ऊपर ये इलेक्ट्रिक एसयूवी गाड़ी बनाए। इनका मुआहदा है एक चाइनीज कंपनी डोंगफेंग के साथ, जिनकी सीरीज 3 नाम की गाड़ी है। ये दो वेरिएंट्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर लॉन्च की जाने लगी है, 3.5 और 4.0। 3.5 जो है उसके अंदर 49 किलोवाट की बैटरी होगी और इसकी जो माइलेज है तकरीबन 330 किलोमीटर होगी। जो इसका दूसरा हायर वेरिएंट है वो सीरीज 3 का 4.0 वेरिएंट होगा, उसके अंदर 54 किलोवाट की बैटरी होगी और वो 400 किलोमीटर का आपको माइलेज देगी। 5 सीटर्स हैं दोनों, बड़ी खूबसूरत बनी हुई अच्छी बिल्ड क्वालिटी की ये गाड़ियां हैं। पहले ये लोग पेट्रोल पे चलने वाली एसयूवी बना के बेच रहे थे, अब ये पाकिस्तान में बनी हुई पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी गाड़ी होगी। दिसंबर 2024 के अंदर ये शुरू के बनाए हुए बैग जो गाड़ियों के ये बनाकर लोगों को फरोख्त करेंगे। साइज में बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो MG की ZS सीरीज गाड़ी है वो साइज की ये गाड़ी होगी। आप इसे घर के चार्जर के ऊपर 8 घंटे में चार्ज कर सकेंगे और अगर किसी स्टेशन पे गए जहां पर सुपर चार्जर्स होते हैं तो ये 15 मिनट के अंदर तकरीबन फुली चार्ज होगी। और फिर कंपनी का क्लेम ये है कि वो 400 किलोमीटर ट्रेवल कर सकती है, लेकिन वो हाईवे पे होगा। अगर शहर के अंदर आप इसे लेकर चलेंगे तो ये तकरीबन 325-330 किलोमीटर की माइलेज देगी, जो एक अच्छी माइलेज कंसीडर की जाती है। और हाईवे का मतलब ये है कि आप लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे के जरिए जाएं तो एक चार्ज के ऊपर आप यहां से वहां तक पहुंच सकते हैं। अब पाकिस्तान में और बहुत सारी कंपनियां अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां ला रही हैं, जैसे मास्टर मोटर्स हैं, दीवान फारूक का हमने आपको बताया था, फिर BYD जो दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है वो भी पाकिस्तान आ चुकी है। अभी उसने अपनी सेल्स का ऐसा आगाज नहीं किया लेकिन गाड़ियां उसने लोगों को दिखा दी हैं, उसने अपनी इनिशियल लॉन्चिंग की है। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान में अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रवाज चल रहा है? उसकी रीजन ये है कि अब यहां भी लोगों को इस चीज का एक तो शऊर आ रहा है कि हमने इन्वायरमेंट को बचाना है। इस वजह से इलेक्ट्रिक गाड़ी धुआं प्रोड्यूस नहीं करती, इसकी और बड़े स्पेयर पार्ट के इशू नहीं होते, वो फायदा है। दूसरा फायदा यह है पाकिस्तान को कि हम लोग फ्यूचर के अंदर जाकर हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचाने लगेंगे। अब हम लोग अगर 17 बिलियन डॉलर्स की पेट्रोलियम मसनूआत इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें से कम अज कम 7-8 बिलियन डॉलर्स तो हम मोटरसाइकिल्स, रक्षों, गाड़ियों, बसों, ट्रकों के लिए पेट्रोल और डीजल मंगवाकर खर्च कर रहे होते हैं। तो अगर हम ये तमाम चीजें इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट कर लेते हैं तो हमारे यहां ये जो बचत है मुमकिन हो सकेगी। अब इन गाड़ियों के लिए बिजली कहां से आएगी? अगर आप घर में चार्ज करना चाहें तो सोलर से चार्ज कर सकते हैं इसे दिन के औकात में। फिर जिन इलाकों के अंदर हवा है वहां विंड एनर्जी से गाड़ियां चार्ज हो सकती हैं। वापदा के या आपकी जो बिजली मुहैया करने वाली कंपनी है उसके मीटर ये गाड़ियां चार्ज हो सकती हैं। और हुकूमत जो है वो विंड एनर्जी से बिजली प्रोड्यूस करके, सोलर से बिजली प्रोड्यूस करके, पंप बिजली से प्रोड्यूस करके बिजली इन गाड़ियों को चार्ज कर सकते हैं। जो क्लीन सोर्स है, आप कोयले पर ना रिलाय करें, आप गैस पर ना रिलाय करें, आप ऑयल पर रिलाय ना करें, आप न्यूक्लियर पर रिलाय करें, तो ये वो सोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं। याद रहे, हम हर दफा कहते हैं, फिर कह रहे हैं, हमारे पास आज भी जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा करने की सलाहियत है। हुकूमत इसलिए ज्यादा पैदा नहीं करती कि उस बिजली की पैदावारी लागत ज्यादा है जो अब आवाम बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए लोड शेडिंग की जा रही है। और उन इलाकों में ज्यादा लोड शेडिंग है जहां पर बिजली चोरी ज्यादा है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पंजाब हुकूमत ने सूबे के अंदर महंगाई कंट्रोल करने के लिए एक अलहदा डेडिकेटेड महकमा कायम कर दिया है। इसका नाम है पंजाब कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। यह महकमा
सूबे के अंदर तमाम खुराक से मुतल्लिका चीज़ें जो हैं उनकी प्रोडक्शन, उनकी क्वालिटी, उनकी प्राइस, उनकी प्रोडक्शन से लेकर वैल्यू चेन, इंपोर्ट से लेकर सेल्स, सारी चीज़ें मॉनिटर करेगा। याद रहे इससे पहले ये काम फूड डिपार्टमेंट किया करता था, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट करता था, वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का मजमूआ था, उसमें डीसीज इन्वॉल्व हो जाते थे और कोई ख़ास उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। अब चूंकि एक इदारा होगा तो इससे बाज़पुर्स की जाएगी। बज़ाहिर इसका जो ब्लूप्रिंट है, जो इसका डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत अच्छी हुई है, एक बहुत अच्छा काम किया पंजाब हुकूमत ने। अब देखना यह है कि महंगाई माफिया किस हद तक इस पर इम्प्लीमेंट होने देता है। अब पाकिस्तान के अंदर पंजाब जिसमें शामिल है, यहां पर प्राइस लिस्ट से लेकर और दुकानदार तक, होलसेलर तक, इंपोर्टर तक, सब चूना लगा रहे होते हैं हम सारिफिन को, और हमारे पास कोई एक लोकेशन नहीं है। तो अब इस डिपार्टमेंट के अपने अफसरान होंगे, अपने मुलाजमीन होंगे, फुल टाइम प्राइस मजिस्ट्रेट्स होंगे। पहले यह होता था कि प्राइस मजिस्ट्रेट्स होते ही नहीं थे, पटवारी को प्राइस मजिस्ट्रेट का एडिशनल चार्ज दे दिया जाता था। तो जो शख्स खुद पटवारी है, एक जगह जॉब कर रहा है, वहां पर अच्छे खासे उसके पैसे बन रहे हैं और टाइम भी सर्फ हो रहा है, उसे एक और ऑप्शन मिल गया जड़ी लगाने का, वो कितना टाइम इस तरफ देगा, उसने आगे बंदे रखे होते थे कमीशन पे। तो ये इदारा ना सिर्फ पंजाब फूड अथॉरिटी को देखेगा, बल्कि होलसेल में कोई चीज कितने की फरोख्त हुई है और वही चीज रिटेल में कितने की फरोख्त हो रही है ये भी जांचेगा। फिर कोई चीज इंपोर्ट कितने की हुई और यहां पर कितने की सेल हो रही है, यहां पर बहुत दो नंबर ही है, जो लोग दालें इंपोर्ट करते हैं, इस तरह की चीजें इंपोर्ट करते हैं, वहां से चीज सस्ती इंपोर्ट कर लेते हैं, यहां पर अच्छी खासी महंगी बताकर बेची जाती है। फिर कंज्यूमर राइट्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो भी इस इदारे के अंदर शामिल किया गया है। फिर ये इदारा डिमांड और सप्लाई को भी मैनेज करेगा, उसे प्रिडिक्ट करेगा। इसके अलावा गंदम और चीनी, दो चीजें जो हैं जो कंट्रोल आइटम पाकिस्तान में तसव्वुर की जाती हैं, ये वो कंट्रोल आइटम जो है उनकी प्रिजर्वेशन के लिए, इन द सेंस कि गंदम को महफूज बनाने के लिए कुछ स्टोरेजेस बनानी है, उन्हें भी देखेगा। और फिर सूबे के अंदर मौजूद कोल्ड स्टोर्स, ये ऐसी जगह जहां पर ये खुराक की चीजें डंप की जाती हैं, महफूज बनाई जाती हैं या स्टॉक की जाती हैं, उन्हें भी एक जगह पर मैनेज करेगा। मार्केट कमेटीज को भी इसके अंडर किया गया है, मैं समझता हूं बहुत अच्छी वर्किंग के बाद किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जिस तरह शुरू किया जा रहा है उसी तरह इसे इंप्लीमेंट भी करवाया जाएगा, इसे करप्शन से बचाया जाएगा, क्योंकि फूड डिपार्टमेंट में बहुत करप्शन है, इसलिए फूड डिपार्टमेंट को बंद किया जा रहा है। इसके अलावा बाकी महकमों को पीछे डाला गया है। अब जहां पर हुकूमत की तारीफ बनती है हम करते हैं, और बिना वजह की तारीफ हम हरगिज़ नहीं करते, और ना ही पैसे पकड़ के किसी हुकूमती शख्सियत का, किसी भी सरकारी जमात का हम प्रोग्राम करने के रवादार हैं। तो हम सब सारिफिन इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की उम्मीद रखते हैं, और इंशाल्लाह हम आपको इसके मुताबिक फीडबैक भी देते रहेंगे। नाज़रीन ये था आज का एपिसोड, हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशन, अपनी आरा से मैं आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुलरहमान को इजाजत दीजिए, अल्लाह के मान।